फ्रेंड्स आपका शिक्षा फाउंडेशन में स्वागत है. राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस एंड हाउ टू यू हैव टू नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द सेंटेंसेस. एंड आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया मौका है. शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से आपको एक अच्छा सा मौका दिया जा रहा है ताकि आप हर सब्जेक्ट को पूरी तरीके से परफेक्टली जान सकें. अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें और घंटी वाला बटन यानी नोटिफिकेशन वाला अवश्य बटन दबाएँ. हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में यानी कि शिक्षा फाउंडेशन के बारे में, जिसमें आप बहुत सारी जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे और आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड सक्सेस. Firstly, I am just going to tell you about that, what you understand by the term of the English. You know that it is the mother tongue of the England, am I right? Yes, sir. And how do we have to come to know about the English? Into the 1600. British, कहाँ से related होंगे? जो आपके Britain से related है, यानी कि आपके जो बहुत ही basic आपका है England. अब हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं इंग्लैंड मतलब यहाँ की ये मदर टंग. हमें इसमें पता है कि इंग्लिश में देयर आर 26 लेटर्स, am I right? How many letters are there? 26 letters. 26 letters जो है वो क्या है आपके? अल्फाबेट्स. और अल्फाबेट्स वर्ड्स कहाँ से लिया गया है? अल्फा एंड बीटा से. इनसे मिल करके आपको पता है इसमें आपके 5 वोवेल्स होते हैं. क्या होते हैं? 5 वोवेल्स और 21 कंसोनेंट्स होते हैं. इज दैट क्लियर? 5 वोवेल्स हमारे कौन से हैं? ई आई ओ एन. इनके साथ में आपके प्लस 21 कंसोनेंट्स बन रहे हैं. इनसे मिलकर के आपका बनता है जा करके वर्ल्ड या वर्ड्स. और वर्ड से ही मिलकर के बनता है आपका फ्रेज. क्या बनता है फ्रेज? क्या होता है? ग्रुप ऑफ द वर्ड्स. ग्रुप ऑफ द वर्ड्स जो क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमेशा फ्रेज कहा. जैसे कि हम देखते हैं सिंपल सा हमारा है ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक का मतलब क्या है? काला. और व्हाइट का मतलब है सफेद. इसमें अगर हम इन लगा देते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट तो ये आपका एक फ्रेज बन जाता है जिसका मतलब होता है इन रिटेन. क्या हो जाता है? इन रिटेन, यानी कि आप लिख करके कुछ दे रहे हैं. इसी तरीके से आपका एक बहुत बढ़िया सा सेंटेंस है वर्ड है सॉरी आन फायर. आन मतलब पर, फायर मतलब आग. ये दोनों आप एक साथ में मिला देते हैं क्या बन जाता है? आन फायर यानी आग पर. और आग पर को अगर आप लेकर के चलते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? एक्साइटेड. इतना क्लियर हुआ? सबसे पहले हम लेकर के क्या चले थे? हम लेके चले थे अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स के बाद में आप पता चला आपको उनसे मिलकर के वर्ड्स बनते हैं. वर्ड्स इसमें कितने हैं? 26, जिसमें आपके 5 वोवेल्स हैं, 21 कंसोनेंट्स. वोवेल्स कितने हैं आपके? 5 हैं. उनका क्या नाम है? ए आई ओ यू. बाकी बचे हुए 21 कंसोनेंट्स, इनसे मिलकर बनता है वर्ड. और वर्ड से ही मिलकर के आपका बनता है फ्रेज जो कि क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसका आपको मतलब पता चल गया? एनी प्रॉब्लम? इसका मतलब अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं. सेंटेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ द सेंटेंस? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ अ वर्ड व्हिच हैव अ कंप्लीट सेंस. लेकिन आपको पता है कि सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है. आओ, क्या ये सेंटेंस नहीं है? वो क्या ये सेंटेंस नहीं है? सेंटेंस इज नॉट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज ओनली अ वर्ड. क्लियर हो गया? आप ये थोड़ा सा और हम बड़ा कर रहे हैं.
यहाँ से चले जाओ, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। क्लियर हो रहा है? आई डाउट अबाउट दैट। अब सेंटेंस जो होते हैं हम पहले इनकी कैटेगरी देखते हैं। सबसे पहला वाला हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा? अनसर्टेन। दूसरा क्या कहलाएगा आपका? तीसरा क्या कहलाएगा? और चौथा क्या कहलाएगा? सबसे पहले हम एसर्टिव की बात करते हैं। एसर्टिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अपना पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव, जिसमें हमें हमेशा हाँ बोलते हैं, और दूसरा नेगेटिव जिसमें ना। इसका ओरिजिनल नाम जो है वो आप किस नाम से जानते हैं? और इसी का ही दूसरा एक और नाम है, ठीक है? उसके बाद में नेगेटिव होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपका आ जाता है सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वर्ब प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम नेगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं? बहुत आसान है। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आप यहाँ पे नो नॉट नेवर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे आपका एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपके दो तरीके के होते हैं। पहला क्यू टाइप का इंट्रोगेटिव और दूसरा। इसकी जैसे पहचान हमने बताई नो नॉट नेवर, उसी तरीके से इसकी पहचान होती है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन एंड नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अब हम चलते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंपरेटिव सेंटेंसेस आपको कमांड देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और कभी कभी अगर कुछ नहीं करते हैं तो ये आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, ये हमेशा। और इसमें जो भी हम कमांड दे रहे हैं या फिर जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं या जो भी फॉरबिड कर रहे हैं, फॉरबिड को मना करना होता है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिरी से रिलेटेड होता है। अगर हम इसमें रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो यही चीज आपकी दे देता है प्लीज प्लस एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी में ही अगर हम फॉरबिड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फॉरबिड कर रहे हैं, तो आपका बस ये डोंट लग जाता है, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। अचानक निकलते हैं, जैसे आपका एक बड़ा सिंपल सा है, वाओ, आप इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं, ओएमजी, कहीं कहीं पर आप awesome. इस तरीके का करते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड टैग ऑफ एक्सक्लेमेशन। टुमारो आई विल जस्ट टेल यू दैट हाउ टू वी हैव टू रिलेट दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस विद द टेंस। कल की हमारी क्लास सेंटेंस और टेंस की होगी। ओके एवरीबॉडी, getting it? Understand? Okay.